चलिए आगे बढ़ेंगे। रांची के रिम्स अस्पताल में मोबाइल नेटवर्क नहीं होने से मरीज काफी परेशान हैं, परिजन और डॉक्टर सभी परेशान हैं। पूरे अस्पताल कैंपस में नेटवर्क नहीं होने के चलते मेडिकल के छात्र छात्राओं को भी भारी परेशानी होती है। दरअसल रिम्स अस्पताल में इन दिनों नेटवर्क की लाइफलाइन डेड हो चुकी है। कई बार रिम्स प्रबंधन की तरफ से इसका मामला उठाया गया, बावजूद इस समस्या का निजात नहीं मिल रहा। नेटवर्क नहीं होने से जहां डॉक्टर्स को ऑपरेशन में दिक्कत आती है, वहीं मेडिकल के जो स्टूडेंट्स हैं वो पढ़ाई नहीं कर पाते, तो दूसरी तरफ मरीज के परिजन अपनी बातें दूसरे तक नहीं पहुंचा पाते। यहाँ पे नेटवर्क की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा इशू होती है हर जगह, मतलब नीचे की फ्लोर में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है हमेशा। आप लोग जब कुछ पढ़ाई वगैरह करने हो तो क्या कुछ नहीं हो पाती है ना, कि किसी का मैसेज वगैरह आता वो भी नहीं हो पाती है, बहुत दिक्कत होती है। नेटवर्क नहीं रहने से हम लोग को बहुत परेशानी होती है, क्योंकि कुछ भी डाउनलोड करना पड़ता है, कोई गूगल फॉर्म साइन करना पड़ता है, तो हम लोग के क्लासरूम में लेक्चर थिएटर में नेटवर्क नहीं आता है। ये अपनी जमीन पर नर्सरी बना के सिर्फ झाड़ बेच कर साल में 2 करोड़ कमाते हैं। उनके सीक्रेट्स को सीखना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। बाहर जाना पड़ता है हम लोगों को, तो उससे बहुत टाइम भी लॉस होता है और प्रॉब्लम तो है ही। बहुत परेशानी होती है, जितने भी डेटा रहता है कभी ख़त्म नहीं होता, कभी नॉर्मल चैट भी नहीं होता, कभी कभी इतना स्लो हो जाता है नेटवर्क, और ख़ासकर जब पीक ट्रैफिक रहता है उसमें तो बिल्कुल हो जाता है। रात को 1 बजे के आसपास थोड़ा बहुत चलता है नेटवर्क, उसके बाद बाकी बात तो चलता ही नहीं है। यहाँ पे जैसे हम लोग का जितना भी 1 से 8 हॉस्टल है, यहाँ कहीं भी नेटवर्क पकड़ता ही नहीं है, मतलब अपना फ़ोन का नेटवर्क तो पकड़ेगा ही नहीं, बाकी हर जगह ठीक है रांची में, यहाँ रिम्स का बिल्डिंग में भी नहीं पकड़ता अपना नेटवर्क। जैसे 8 नंबर अभी जो नया हॉस्टल बना है उसमें वाईफाई सब कोई अवेलेबल नहीं है, तो अपना नेट तो चलता ही नहीं, बिल्कुल नहीं चलता है। जैसा मनीष बोला, सर्जी वगैरह किसी में नहीं चलता है। नेटवर्क नहीं रहने से क्या होता है कि डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो होता है डाउनलोड करना होता है तो वो नहीं हो पाता है क्लासरूम के, मतलब कि बाहर कहीं कहीं पे सिर्फ, बाकी क्लासरूम में तो हो जाता है, तो क्लासरूम के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। कभी भी रैंडमली कुछ वर्ड्स खोजना होता है या कुछ भी टॉपिक देखना होता है तो वो खोल नहीं पाते हैं, या नॉर्मल लिंक्स भी, गूगल लिंक्स भी नहीं खोल पाता है कई बार क्लासरूम में भी। वाईफाई है बट वो थोड़ा सा स्लो रहता है तो दिक्कत होता है। इधर में मोबाइल का नेटवर्क वार्ड वगैरह से बहुत प्रॉब्लम होती है, हम लोग किसी को अगर बताना हो, कुछ इमरजेंसी हो, तो वार्ड से बाहर निकल के कैंपस से बताना पड़ता है, ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। देखिए नेटवर्क तो लाइफ लाइन है आज के समय, मतलब किसी से भी आप कनेक्टेड हैं तो नेटवर्क के थ्रू ही कनेक्टेड है, और नेटवर्क ना हो तो बड़ी दिक्कत आती है, क्योंकि आपको कॉल्स आते हैं, आवश्यक कॉल्स आते हैं, हमें जैसे बीइंग डॉक्टर सबको कॉल्स आते हैं किसी भी चीज़ की, हम अटेंड नहीं कर पाते हैं, क्योंकि या तो आप कॉल जैसे उठाते हैं तो कॉल कट जाता है, या कई बार बात प्रॉपर नहीं हो पाती, और कई बार फिर बाहर निकल के बात करनी पड़ती है, क्योंकि नेटवर्क किसी के प्रॉपर नहीं है। BSNL है, जियो हैं, एयरटेल हैं, या वोडाफोन है, सभी के नेटवर्क यहाँ बहुत अच्छे नहीं हैं। तो हम लोगों ने सभी कंसर्न अथॉरिटी को कंप्लेन पर्सनल लेवल पर भी किया है, और ये मतलब रिपीटेडली किया है, बहुत बार किया है, लेकिन सुधार बहुत नहीं हुआ। अभी मैं मौजूद हूँ रिम्स अस्पताल के फर्स्ट फ्लोर में, और ब्लेसमेंट में मैं जा रहा हूँ, और अभी सबसे बड़ी समस्या रिम्स अस्पताल की बनी हुई है, जो वो सबसे बड़ी समस्या है वो नेटवर्क प्रॉब्लम का। वो नेटवर्क प्रॉब्लम से अस्पताल में मौजूद डॉक्टर हो या मेडिकल स्टूडेंट हो या मरीज के जो परिजन हो, उनको सभी को परेशानी हो रही है। और तस्वीरें मैं दिखा रहा हूँ रियलिटी चेक के दौरान, देखिए जी मीडिया पल पल की खबर अपने दर्शकों तक पहुंचाता है, और जो परेशानियां लोगों की होती है उससे निजात दिलाने के लिए प्रयास करता है। देख सकते हैं तस्वीरें, और ये ब्लेसमेंट है, और देखिए मरीज के परिजन जो है वो लगातार अपने परिजनों को उनकी जो इलाज की हकीकत लोगों तक पहुंचाने का, मगर फ़ोन साफ तौर पर देख सकते हैं कि नेटवर्क पूरी तरह से, दोनों नेटवर्क ये ख़त्म हो चुका है, और मरीज़ के परिजनों को काफ़ी परेशानी होती है। ये हकीकत मैं आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरह रिम्स अस्पताल में नेटवर्क की जो परेशानी है वो कहीं ना कहीं विकराल रूप लेते जा रही है, और इसका खामियाजा जो है मरीज के परिजनों को भुगतना पड़ रहा है। कोई भी इमरजेंसी सेवा जब होती है तो वो नेटवर्क के चलते वो अपने परिजन हो या डॉक्टर को सही समय पर सूचना नहीं दे पाते हैं, जिसकी वजह से कई बार कई बड़ी घटनाएँ हो चुकी है। हालाँकि तस्वीर आप देख सकते हैं कि नेटवर्क पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है, ये हालाँकि ये फर्स्ट फ्लोर से ब्लेसमेंट है। ये हम कुछ और तस्वीरें भी दिखाएंगे कि रिम्स अस्पताल में आखिर क्या कारण है कि नेटवर्क खत्म हो जाता है, और क्या कुछ परेशानी होती है।
अभी मैं मौजूद हूँ रिम्स के नीरो वार्ड के पास, जो सेकंड फ्लोर है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि दोनों तरफ, हालांकि जिस तरह मौसम चेंज हो रहा है, मरीजों की संख्या बढ़ रही है और मरीजों का इलाज चल रहा है, मगर अभी सबसे बड़ी समस्या ये है कि पूरे अस्पताल कैंपस में नेटवर्क की परेशानी से लोग जूझ रहे हैं। अस्पताल में डॉक्टर हो, नर्स हो या मेडिकल स्टाफ हो, तमाम और मरीज के परिजनों को भी काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और तस्वीरें देख सकते हैं कि नेटवर्क पूरी तरह से यहाँ भी नहीं है और फ़ोन जो है वो फ़ोन में बातें नहीं हो पाती है। हम कुछ मरीज के परिजनों से भी बात करने का प्रयास करेंगे। देख सकते हैं कि नेटवर्क जो है वो है। दो कुंडी ज़रूर दिखा रहा है, मगर इससे अगर आप किसी को फ़ोन करेंगे तो फ़ोन कट जाता है, आवाज़ नहीं आती है। ये हकीकत हम अपने जी मीडिया के माध्यम से दर्शकों तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे और हकीकत भी दिखा रहे हैं। यहाँ मरीज़ के परिजन, उनसे बात करेंगे। आप बताइए अंकल, यहाँ फ़ोन में बात हो पाती है? नहीं हो पा रही है, कट जाती है। बात करते हैं तो कट जाती है। कितनी परेशानी होती है? परेशानी तो बहुत ज़्यादा होती है। अगर कोई इमरजेंसी हो, परिवार को कुछ बताना है, तो कैसे फिर कैसे फ़ोन को लेकर कहाँ जाते हैं? नीचे जाते हैं, बाहर जाते हैं तब जाके होता है। यहाँ से बात नहीं हो पाता है। नेटवर्क दिखाता है तब भी नहीं, कभी कभी पकड़ता है, कभी नहीं पकड़ता है, अचानक ही हो जाता है। बहुत परेशानी, हाँ परेशानी होती है। वो हकीकत आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि इसी तरह कैंपस के तमाम जगहों पर जो नेटवर्क की परेशानी है वो लगातार बढ़ते जा रही है और काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि मैं कुछ और भी विभाग का तस्वीर अपने चैनल के माध्यम से दिखाने का प्रयास करूंगा कि क्या कुछ रिम्स अस्पताल में अभी सबसे बड़ी समस्या जो विकराल रूप लेते जा रही है वो नेटवर्क की बनी हुई है। हम कुछ और तस्वीरें अपने टीम के साथ आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। अभी मैं मौजूद हूँ रिम्स के तीसरे तल्ले पर। तस्वीर आप देख सकते हैं कि मरीजों का इलाज चल रहा है और नेटवर्क की क्या कुछ हकीकत है वो हम अपने जी मीडिया के माध्यम से लगातार दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि अभी रिम्स अस्पताल में सबसे बड़ी समस्या जो बनी हुई है वो नेटवर्क की दिक्कत है। और इस नेटवर्क की दिक्कत से ना सिर्फ मरीज के परिजन, डॉक्टर, स्टाफ, साथ ही साथ जो मेडिकल स्टूडेंट है उनको भी काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पूरे अस्पताल कैंपस में नेटवर्क नहीं होने से काफ़ी परेशानी हो रही है। देखिए, मरीज के कुछ परिजन हैं, उनसे भी हम बात करने का प्रयास करेंगे। हाथों में उनके फ़ोन है, मगर अधिकतर लोगों को देखा जा रहा है कि जो बात करने के लिए उन्हें बाहर जाना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पर नेटवर्क की परेशानी होती है। फ़ोन तो लगता है, मगर आधे पर बात होने के बाद वो फ़ोन कट जाता है। हम सीधे इनसे बात करेंगे, क्या कुछ परेशानी हो रही है यहाँ पर? पढ़ो ये, थोड़ा इसमें सिग्नल का प्रॉब्लम तो आ रहा है फ़ोन में। मान लीजिए पेशेंट को कोई जरूरी चीज़ अगर हम कहीं से अगर मंगवाना चाहें तो कॉल नहीं लग पा रहा है, तो थोड़ा दिक्कत हो रहा है बस। बाकी सिग्नल वगैरह भी नहीं आ रहा है, जाम है थोड़ा सा, ऐसा लग रहा है सिग्नल को जाम कर दिया है। ये सही तरीके से अगर बात करना है, मरीज की सूचना किसी को देनी है, तो आप कहाँ क्या करते हैं? बाहर जाना पड़ेगा, ऑब्वियसली बाहर जाना पड़ेगा। हाँ, मरीज को लेकर नहीं, मरीज तो वहाँ पर रहेंगे, पर हमको बाहर जाना पड़ेगा। और मान लीजिए मेडिसिन वगैरह भी कुछ भी लेना होगा तो बाहर जाना होगा, किसी को बोल नहीं सकते कि आप आ जाइए। थोड़ा दिक्कत है, कट रहा है, फिर आ रहा है। तो साफ तौर पर ये हकीकत जो हम लोगों ने रियलिटी चेक किया, ये हकीकत में पाया है कि रिम्स अस्पताल के पूरे कैंपस में जो है वो नेटवर्क की परेशानी हो रही है। वो फर्स्ट फ्लोर हो, सेकेंड फ्लोर हो या थर्ड फ्लोर हो, पूरे कैंपस में इसकी परेशानी हो रही है। ना केवल रिम्स के मरीज के परिजनों को परेशानी हो रही है, यहाँ पर मौजूद कर्मचारियों को, डॉक्टर को या मेडिकल जो स्टूडेंट हैं उनको भी पढ़ाई में काफ़ी परेशानी हो रही है। हालांकि रिम्स प्रबंधन ने साफ तौर पर कहा है कि इसकी शिकायत हमने कई बार लिखित तौर पर ऊपर में दिया गया है, बावजूद सब कुमकर्णी नींद सोई हुई है। हालांकि अब देखना यह है कि इस परेशानी से रिम्स प्रबंधन को कब तक निजात मिलता है और यहाँ की जो परेशानी है नेटवर्क की वो कब तक ठीक होती है। कैमरा पर्सन राहुल दीक्षित के साथ आशीष कुमार तिवारी, जी मीडिया, रांची। ये अपनी जमीन पर नर्सरी बना के सिर्फ झाड़ बेचकर साल में 2 करोड़ कमाते हैं। उनके सीक्रेट्स को सीखना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।